अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे अम्मी बनाएंगे चिल्ड्रन स्पेशल चिकन नूडल्स। इसे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम नूडल्स की पैकेट लिया है। हमने तपेले में पानी बॉईल होने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल। एक चम्मच नमक। हम पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने के बाद हम नूडल्स को इसमें ऐड कर देंगे। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे। इसे हम 80% कुक होने तक पका लेंगे। नूडल्स 80% कुक हो चुके हैं, अब हम इसे एक छन्नी में छान लेंगे। नूडल्स को हम एक थाले में ठंडा होने फैला देंगे। हमने चिकन के पीसेस को ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है। हमने चिकन में ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन 65 मसाला, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक। बस हमने चिकन में इतना ही ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद चिकन को हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेशन करने के लिए रख दिया था। अब चिकन फ्राई होने के बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। हमने 4 अंडे लिया है, इसको फेंट लेंगे। इसमें थोड़ा सी नमक ऐड करके इसको फेंट लेंगे। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें हम 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अंडा ऐड करके इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। अंडा जो है फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम 4 चम्मच तेल ऐड करेंगे। हमने सब्जियों में लिया है पत्ता गोभी, कैरेट को हमने ग्रेट कर, शिमला मिर्ची कट करके लिया, हरे कांदे की पत्ती को हमने कट करके लिया है, हरे कांदे के पत्तियों का व्हाइट हिस्सा हमने कट कर लिया है। हमने 5 हरी मिर्च को 2 टुकड़े में तोड़ लिया है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें कांदा ऐड करेंगे। सभी दोस्तों को मेरे मम्मी के हाथ की बनी चिकन नूडल्स बहुत पसंद है, इसलिए हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। इसमें गोभी ऐड करेंगे। अभी हम सभी सब्जी और हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। सब्जियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। चाइनीज रेसिपी में सब्जी जो है क्रंची ही अच्छी लगती है। अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सी नमक। हमने अंडे में, चिकन में और नूडल्स में भी नमक ऐड किया है,
फिर सब्जियों के लिए हमने जस्ट थोड़ा सा नमक ऐड किया। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, 2 चम्मच विनीगर, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सेजवान चटनी, 1 चम्मच टमाटो केचप। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच व्हाइट पेपर ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नूडल्स ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें एग और चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। आधा किलो नूडल्स में हमने 300 ग्राम चिकन लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। हमारा चाइनीज चिकन नूडल्स रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज चिकन नूडल्स हमने सर्व कर दिया है। इसे मैं और मेरे फ्रेंड्स लोग इंजॉय करेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको हमारी चिल्ड्रंस स्पेशल चाइनीज़ चिकन नूडल्स पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।